न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर के धर्मपुर दो नंबर ग्राम पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 11 में, जो मलद्वार का ग्राम है वहां पे। और इस वक्त एक पूरे वार्ड के जो लोग हैं एक मीटिंग का आयोजन किए हैं, जिसमें आलोचना मीटिंग कहा जाता है। वो तस्वीरें एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आने वाले जो पंचायत चुनाव है, उस पंचायत चुनाव को लेकर लोग, गाँव के लोग आपस में बैठे हैं और किस तरह का कैंडिडेट हो ये तय करने के लिए बैठे हैं। तो वो तस्वीरें हम आपको एक बार पहले दिखा देते हैं कि किस तरह के यहाँ के लोग जो है आपस में डिस्कस करके। हालांकि आप दर्शकों को ये बता दें, पश्चिम बंगाल में 2023 में जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसका घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही ग्रामीणों में पंचायत चुनाव को लेकर कितनी गहमागहमी है, कितनी डिस्कशन है, वो तमाम चीज़ें, ये चीज़ें आप यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ये मलद्वार गांव है जहां पे वार्ड नंबर 11 से लोग बैठे हैं डिस्कस करने के लिए कि इस बार का जो वार्ड का चुनाव है किस आधार पर हो, किस तरीके से लोग यहां वोट करेंगे और किस तरह के कैंडिडेट चुनेंगे, खास करके जो उम्मीदवार है उसको लेकर यहां लोग डिस्कस करने बैठे हैं। तो सीधे तौर पर जो लोग जिम्मेदार लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम कई बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, आज आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं? हम लोग वही विकास के सिलसिले, इलेक्शन के सिलसिले में बैठे हैं। किस तरह का इलेक्शन? इलेक्शन वार्ड का। अभी तो राज्य में जो है चुनाव का जो घोषणा नहीं हुआ है, फिर आप लोग किस तरह का डिस्कशन? तो पहले से हम लोग तैयारी में हैं, जो 10 साल से हम लोग का विकास कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों? यहाँ पे तो तृणमूल कांग्रेस का ही मेंबर था। और तृणमूल कांग्रेस का तो है, लेकिन मेंबर बोलता है हम कुछ जानते नहीं है, तो आपको फिर दोबारा चांस क्यों दे? वो जानते ही नहीं है। तो इस बार आप लोग क्या यहाँ पे, यहाँ जो बैठे हैं आप लोग, तो नया चेहरा के लिए बैठे हम लोग, नया चेहरा हो, विकास हो, क्या लोगों की राय ले रहे हैं आप लोग? जी, लोगों का राय लेने के लिए बैठे हैं। क्या राय लोगों की, सब लोगों की राय क्या बनी है? सब लोग तो यहाँ पे 100% में, पूरा 100% ही बोल रहा है कि जो नया चेहरा आए इस बार। तो नए चेहरे में आप लोगों ने किसी का सिलेक्शन भी किया क्या? हम लोग तो जाकिर अंकल को चुने हैं, सब कोई जाकिर अंकल नए चेहरे के रूप में इसको चुने हैं। अभी पूरे गाँव वाले, पूरे वार्ड वाले पूरा सहमत है, पूरा वार्ड सहमत है, पूरा गाँव, पूरा समाज। तो सबसे पहले हम आप लोगों को तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और जिनका नाम सामने आया है उनके समर्थन में कितने लोग हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और लगभग इन लोगों की यही राय है जो बताया जा रहा है कि तमाम लोग जो है जाकिर भाई जो है उनके समर्थन में हैं। सब लोग हाथ उठाए हुए हैं, वो तस्वीरें आप उस वक्त देख सकते हैं कि आखिर अब पंचायत चुनावों का घोषणा नहीं हुआ है, उससे पहले ही वोटरों में कितनी गहमागहमी है और कितनी जोश है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम अब कुछ लोगों की राय भी लेने की कोशिश करेंगे। मैं दो चार बात बोलना चाहता हूँ। मोहम्मद मरगूब आलम, ठीक है। इस सभा में हमारे टीएमसी के प्रेसिडेंट, वार्ड प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, तो मैं हाई लेवल से यही कहना चाहता हूँ कि सबके समर्थन में 60% यहाँ समर्थन दिए हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि टीएमसी का जो वार्ड टिकट होता है वो कम से कम जिसको सपोर्ट किया गया है जिसके इसमें उसको दिया जाए, हाई लेवल में मेरा ये चाहत है। आप लोग ये डिमांड है कि तृणमूल कांग्रेस का टिकट जो इस बार जो नया है, जो जाकिर भाई का नाम आप लोग उनको दिया जाए। हम लोग सबको टीएमसी हाँ। गलत नहीं है ना। और आप लोग ये किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? टीएमसी। मालद्वार से दो बार टीएमसी का मेंबर जिताया भी गया है, तो ये तीसरा बार है। हम लोग चाहते हैं कि मेंबर चेंज किया जाए, काहे कि एक मेंबर रहने के वजह से कोई विकास का काम नहीं होता है। पार्टी तो बहुत अच्छा है, पार्टी तो बहुत चीज भेजता है, लेकिन यहाँ पब्लिक तक पहुँचता नहीं है, सारा वहीं खत्म हो जाता है। तो अब सीधे तौर पर यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के जो वार्ड अंचल वार्ड प्रेसिडेंट हैं, इस बूथ के बूथ प्रेसिडेंट हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, आपके वार्ड में इस तरह का देखा जा रहा है कि जो वार्ड मेंबर है उसको तो लोग खुश नहीं नजर आ रहे हैं, नए चेहरे पे लोग जा रहे हैं, आपकी क्या राय है? आप बिल्कुल सही बात है, जो यहाँ का वार्ड का जो जितने भी आदमी हैं
तो वार्ड मेंबर से खुश नहीं है, इसलिए जो है ना ये नौबत आप पहुंचा है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं जो जाकिर को दिया जाए टिकट। तो ये हाँ। ये बात आप लोग पार्टी के जो सीनियर लीडर है वहाँ तक ले जाएंगे, कैसे इनको टिकट दिलवाएंगे, क्या आपके दिमाग में सोच है? हम लोग पहुँचेंगे, हाई लेवल तक पहुँचने की कोशिश करेंगे हैं, और आप लोगों के जरिए। और ज़्यादातर पार्टी से तो हम लोगों को कोई शिकायत है नहीं, पार्टी तो हम लोगों का आज से 20 साल पहले से पार्टी कर रहे हैं, लेकिन 15 साल हैं, 15वां साल हो गया इसमें हम लोग जो है ना इस पार्टी में जो है ना ये पाए हुकूमत पाए हम लोग यहाँ हैं। मेहनत तो बहुत पहले से कर रहे हैं और अभी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद मेंबर भी बनाया, लेकिन उस मेंबर से हम लोगों को फायदा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हाँ पार्टी हम लोग TMC का ही है, सिर्फ हम लोग कैंडिडेट चेंज करेंगे। तो आप इस वक्त देख सकते हैं पूरे लोगों में किस तरह का है। हम लोग यही कहें, हम लोग का जितने भी अवाम है सब तो यहाँ TMC का आदमी है, और हम लोग भी TMC ही करते थे। हम लोग मेंबर से, वार्ड मेंबर से खुश नहीं है, क्योंकि हम लोग का वार्ड मेंबर पढ़े लिखे भी नहीं है, और हम लोग का वार्ड मेंबर जब प्रधान ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ चेयर भी उसको बैठने के लिए नहीं मिलते हैं। उसको सब जितने भी पढ़े लिखे आदमी है सब उसको ब्लैकमेल करते हैं। तो हम लोग इस बार सब पूरा अवाम सोचे, करीब मोटा मोटी 400 आदमी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग सोचते हैं कि इस बार टिकट हमारे जाकिर भाई को दिया जाए। और यहाँ तक हम लोग सोचे, यहाँ अगर टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग हाई लेवल तक पहुँचेंगे, चाहे वहाँ पर अगर हम लोग को पूरा आदमी जाना पड़े या हमारे वोटर अगर जो जितने जाएंगे या 600 जाना पड़े 800 जाना पड़े, हम लोग पूरा अवाम टिकट के लिए लड़ेंगे और हर नेता के पास हम लोग जाएंगे कि हम लोग को टिकट चाहिए। आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि जाकिर भाई एक ऐसा चेहरा है जो आप लोगों के नेतृत्व कर सकते हैं? हम लोग का उसके आगे में हम लोग पैदाइश हुए हैं, हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि जाकिर भाई हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, और हमारे कहूँ ग्राम में मौत भी होते हैं तो सबसे पहले जाकिर भाई के काम लगते हैं, और जहाँ भी कभी जरूरत पड़ते हैं तो हमारे जाकिर भाई सबसे पहले पहुँचते हैं वहाँ। तो हम लोग पूरा आवाम सोचते हैं, जब हमारे जाकिर भाई इतना हम लोग के लिए करते हैं तो हम लोग भी थोड़ा उसके लिए सोचते हैं कि उसको भी थोड़ा हम लोग लेवल देना चाहते हैं। आने वाले 5 साल में अगर ऐसा इनको टिकट देता है पार्टी और ये जीतते हैं तो आप लोगों का जो वार्ड में जो कमी वो दूर हो जाएगी? एकदम 90% भरोसा है कि दूर हो जाएगी, 90% भरोसा है कि दूर हो जाएगी, क्योंकि हम लोग को इतना भी यकीन है कि उसके पास कोई चीज का कमी नहीं है, उसके दिल बड़ा है। हम लोग को 90% भरोसा है कि जाकिर भाई सबका दुख हटा देगा। आपका नाम? मोहम्मद अली हुसैन। क्या कहेंगे? हाँ अस्सलामुअलैकुम। मंत्री साहब गुलाम रब्बानी जिंदाबाद, अब्दुल मुनीर साहब जिंदाबाद, अस्सलामुअलैकुम मजहरदाज, अस्सलामुअलैकुम सवारी का आवेदन। हाँ सवारी का हमार आवेदन जे हमरा ये 10 पब्लिक हमरा सहमत आछि जाकिर भाई याते। हाँ हमरा एबर का नतून चेहरा चुने छी, हाँ तो हमरा टिकटर हकदार। अस्सलाम वालेकुम सबजल हुसैन। क्या कहेंगे भाईजान, आप तृणमूल कांग्रेस के बिल्कुल एक्टिव कार्यकर्ता हैं, आज जी जी मीटिंग का आयोजन किया गया है? हम तो 10 साल से TMC हैं, TMC अभी भी रहेंगे हैं। तो बात यह है कि अभी हम लोग कोई नया चेहरा खोज रहे हैं, तो उसके लिए पूरा गांव वाला जितना भी है सब सपोर्ट किया जाकिर भाई को, हम भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में अब हम लोग को जरूरत है टिकट का हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि टिकट जाकिर भाई को दिया जाए। क्यों? उससे पहले जिस जो कैंडिडेट था उनमें क्या कमी? उससे तंग आ चुके हैं सर हम लोग, कोई विकास नहीं हुआ हम लोग का गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। कोई भी चीज आता है तो दूसरे गांव का आदमी लेके चला जाता है, हम लोग के इधर कोई विकास नहीं हुआ। दूसरे वार्ड में चले जाते जी। हम लोग लगता है कि जाकिर भाई का नाम आप लोगों ने सिलेक्ट किया है वो काबिल हैं, वो इस तरह से पंचायत में आप लोग को हक लेके आ सकते हैं? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या खूबी है? खूबी है तब ना सब आदमी हम लोग उसको चुन रहे हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम गफ्फार। तो आप देख सकते हैं इस वक्त तमाम जो लोग हैं अपनी अपनी प्रतिक्रिया देखें, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप इस सभा के सबसे बुजुर्ग
महसूस हो रहे हैं, हम किसी का ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन बताइए क्या आप लोगों को ये मीटिंग क्यों आयोजन किया गया, क्यों बुलाया गया? हम लोग एकता के लिए पहले अपना संगठन को हम लोग अपना तैयार कर रहे हैं। ये अभी इलेक्शन का कोई ये नहीं है, लेकिन एक संगठन एक सर जोड़ करके हम लोग चाह रहे हैं कि नया चेहरा आए, उसमें हम लोग जाकिर भाई को चयनित किए हैं, हम लोग किए हैं। आगे आगे जो है अब हाई लेवल के लोग सोचे, हमको अगर एकजुट होकर के हाई लेवल के दरवाजा खटखटाना ना हो वहाँ तक के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन हम लोग टीएमसी करते हैं, हम लोग टीएमसी, हाँ टीएमसी का सभा है, खाली एक चेहरा नया चेहरा का हाँ तलाश में थे, हम लोग को मिल चुका है मोहम्मद कासिम। हम लोग सीधे तौर पर जिस शख्स का नाम सारे गांव वालों ने, सारे वार्ड नंबर 11 के लोगों ने सेलेक्ट किया है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो लोग जिस जाकिर भाई को लेकर सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम सीधे तौर पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या बात है? जाकिर भाई बताइए, आप पूरे गांव के लोगों ने आपके नाम का चयन किया है, सेलेक्ट किया है, क्या कहेंगे, किस तरह की इन लोगों की उम्मीदें हैं कि आप उनका चेहरा बनकर आए, क्या लगता है आपको इनके उम्मीदों पर आप खड़े उतरेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम खड़े उतरेंगे। क्या लगता है आप क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में? इन लोगों के लिए सोचे कि हम इनसे कामयाब होने से इंशाल्लाह विकास का काम जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से विकास का काम करेंगे हम। आपको लगता है कि इतने लोगों की उम्मीदें आपके साथ जुड़ी है, बहुत बड़ी बात है ये, तो ऐसे में आपको लगता है कि आप खुद तृणमूल कांग्रेस से पहले से हैं, आपको लगता है आपको टिकट मिलेगा तृणमूल कांग्रेस पार्टी? हाई कमान से बात करेंगे, हाँ कोशिश करेंगे, बात रखेंगे, हाँ और सब मिलकर हम लोग बात रखेंगे, हाई कमान को विदा जनाएंगे कि हम आ रहे हैं, हाँ वो देर को टिकट दे सकते हैं। तो आप हम आपको एक बार तो ये आप सीधे तौर पर वो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है क्या कहेंगे सर आप बताइए जी। ये हम तो वैसे ये मेरा सातवां वार्ड वोट चल रहा है, 35 साल से वोट दे रहे हैं जी, हमको तजुर्बा है, लेकिन हम तो अब तक जो है सब हम लोग तो बामपुरन कर रहे थे, लेकिन ये 10 साल से जो है टीएमसी में ज्वाइन लिए हैं, तो टीएमसी में ज्वाइन लेने के बाद पार्टी का जो ये है तो वो तो टीएमसी में हम लोग वोट दे रहे हैं, वोट देख रहे हैं कि कोई विकास हम लोगों का नहीं हो रहा है। आज तक जो है हम लोगों का मेंबर का आता भी है तो वो बोलता है कि कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आया है, आज पूछते हैं तो बोले कुछ भी नहीं है, लेकिन और वार्डों में देखते हैं काम होता है, विकास होता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है आज तक। इसी वजह से जो है हम लोग सोचे हैं कि भाई टीएमसी में हम लोग पार्टी में जब ज्वाइन किए हैं, सभी लोग सभी अवाम यहाँ जितने भी आदमी आए हैं सब टीएमसी के हैं, लेकिन हमारे जो नेता है वही सही नहीं है, तो हम लोग इस बार जो है मैंने टीएमसी का टिकट जो है हम लोग जाकिर भाई को चुने हैं कि भाई वो अच्छा नेता है, अच्छा आदमी है, वो सबका काम आता है, जिसका जहाँ जरूरत पड़ता है सब जगह जाता है, हयात मौत शादी ब्याह सब चीज में जा रहा है, तो भाई क्यों नहीं हम लोग जो है सब अवाम जब एक तरफ हैं तो जाकिर भाई को क्यों नहीं हम लोग चुने, इसलिए हम लोग जो है जाकिर भाई को हम लोग चुने हैं, और ऊपर लेवल से भी हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि टिकट हम लोग का टीएमसी का जाकिर भाई को दिया जाए जी। इंशाल्लाह आप लोग अगर पार्टी तक बात पहुंचाएंगे तो इंशाल्लाह जरूर पहुंचेगा, मिलेगा जी। मोहम्मद तौहीद आलम तो हम लोग यहाँ पे इस सभा में अगर आपको तस्वीरें देख सकते हैं तो जो जेंट्स के साथ साथ लेडीज लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या चाहते हैं आप लोग, क्यों यहाँ आए हैं? आए हैं नंबर जिताने के लिए, लाया पुरना नहीं कुछ करता है, कुछ नहीं मिला है हम लोग, कितना दिन से नंबर जिताए हैं कुछ नहीं पाए हैं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग नया नंबर जिताने चाहते हैं। नया नंबर किसको चाहते हैं? जाकिर को। क्यों आए हैं? हम लोग आए हैं कि कहे हम लोग का पुरना नंबर का 10 साल से हम लोग आशा देखते निरा हो गए, तो हम लोग वही चाहते हैं, हम लोग नया नंबर उठाते हैं, नंबर उठाते हैं हम लोग, जब नहीं किस पाए हैं
जब ऐसा व्यवस्था लोग को जब नहीं मिला के हम लोग को अब करते हैं यही नया करेंगे टीएमसी करते थे टीएमसी पार्टी करते हैं तो जाकिर भाई को हाँ हम लोग नया चाहते हैं हम लोग उसी को चाहते हैं। क्या नाम है आपका? बैसाखी ऋषि। क्यों यहाँ आए हैं? बहुत साल से यहाँ है। इतना आई है नंबर के उठाने के लिए। हाँ नया नंबर जाकिर के। हाँ हाँ। तो कई महिलाओं से हम लोग बातचीत कर रहे थे तो हम आपको एक एक करके तमाम लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो दिखा रहे थे किस तरीके से यहाँ के लोग जो है यहाँ पे आज के इस आलोचना सभा में किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। और लोगों का साफ कहना है कि हम लोग जो है नया चेहरा चाहते हैं। हालांकि राज्य में जो है पंचायत चुनाव का घोषणा नहीं हुआ है, उससे पहले ही ग्वाल पोखर में के वोटरों में कितना जज्बा है, कितनी सोच है, इसका अंदाजा आप इस मीटिंग से लगा सकते हैं, जहां पे काफी संख्या में धर्मपुर दो नंबर ग्राम पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 11 जो मलद्वार गांव है वहां के वोटर एक होकर नए चेहरे का जो है लोग चयन कर रहे हैं। और सब लोगों के इत्तफाक और राय से जो है ये बात सामने आई है कि इस वार्ड के जो मोहम्मद जाकिर साहब हैं उनको वो अपना कैंडिडेट चुन रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस के हाईकमान से भी उन लोगों का ये अनुरोध है कि हम लोग जो है तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार जो है जाकिर भाई को मानते हैं, उनको टिकट देकर जिताया जाए। तो इसी तरह की तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ के लिए आप हमसे जुड़ रही है उत्तर दिनाजपुर के जिले से, उत्तर दिनाजपुर के ग्वाल पोखर से मैं फैजान अशरफ, न्यूज़ टुडे इंडिया।